सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए जो प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी में देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम तो सिताइश बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु मेरे प्रियो आपको और मुझको ये खूबसूरत नया दिन देते हैं। ये खूबसूरत नए दिन में प्रवेश कराते हैं जहाँ पर मैं और आप बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ अपने परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, अपने प्रभु के पास आते हैं। और जब मैं और आप अपने प्रभु के वचन के पास आते हैं, मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के पास आते हैं, वो रोशनी जो प्रभु में है वो मेरी और आपकी जिंदगी को रोशन करने लगती है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए, मेरे प्रियो, बेहद बेहद खास हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिता मेरे और आपकी जिंदगी में वो समय देते हैं, मेरे प्रियो, वो मौका आपको और मुझको देते हैं जहां पर मैं और आप अपने परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में काम, बहुत सारी चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु के लोग जब इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के निकट आना मेरे लिए कितना जरूरी है, तो ये बहुत ही आशीष का कारण मेरे और आपके लिए बन जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु के दास कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं भी नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी में जो वक्त अपने परमेश्वर को देते हैं, मेरे प्रियो, ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए फ्रूटफुल हो जाता है। हमारी जिंदगियों में आशीषों के द्वार खोलते हैं, सवालों का जवाब मिलता है, हम अंधियारे से रोशनी की ओर लाए जाते हैं क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप सिर्फ परमेश्वर के वचन के पास नहीं आते, मैं और आप सिर्फ प्रभु के पास नहीं आते, ये मैं और आप, प्रभु का वचन आपको और मुझको बताता है, मैं और आप जीवन के करीब आते हैं। सिर्फ रोशनी नहीं है वो, सिर्फ सवालों का जवाब ही नहीं देता, सिर्फ परिस्थितियों को ही नहीं बदलता, मगर प्रभु का वचन मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए जीवन के करीब आने की बात करता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के पास हैं, यानी मैं और आप जिंदगी के करीब आप पाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा, और ये वो जिंदगी है मेरे प्रियो जिसको देने के लिए मेरा और आपका यीशु इस दुनिया में आया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस खूबसूरत शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पिता अपने बच्चों को अपनी हुजूरी में लेकर के आते हैं। हम भले ही एक दूसरों को नहीं जानते, हम भले एक दूसरे को नहीं पहचानते, मगर परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जब मैं और आप पिता के वचन के अनुसार, जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप अपने प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। जी हाँ, अपने दिलों को खोलें और अपने परमेश्वर का स्वागत करें, अपने यीशु का स्वागत करें, पवित्र आत्मा को इन्वाइट करें अपनी जिंदगी में, मैं और आप, और अंधियारे की हर एक आज बंधन मेरे और आपकी जिंदगी से टूटने पाए मेरे प्रियो, और हम प्रभु की आशीष और प्रभु की निकटता में और भी अधिक अधिक और बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए, इस जरिए के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो पिता ने मेरे लिए और आपके लिए रखा, जिसके जरिए होते हुए मेरे प्रियो मैं और आप एक छोटा सा प्यारा सा परिवार और छोटा सा झुंड बन जाते हैं जहां मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब पाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु अपने लोगों के मध्य में है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार मेरे और आपके बीच में है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस पेज के लिए जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत सा जरिया दिया है मेरे प्रियो, जिसके जरिए मैं और आप अपने पिता से मुलाकात कर सकते हैं, अपने प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं। आगरा मसीह मंडली पेज के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इस पेज पर अपनी बरकत और अपनी आशीषों को बनाए रखें, और इसके जरिए प्रभु के लोग पिता के पास आए, और हर एक वो लोग जो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, अपनी समस्याओं में उलझे हैं, परेशानियों में उलझे हैं, वो परमेश्वर के पास आ सकें।
क्योंकि पिता ने आपको और मुझको मेरे प्रियो एक ज्योति बनने के लिए ठहराया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और प्रभु की रोशनी प्रभु के लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु के लोगों के जीवन में प्रवेश करने पाए। पिता के नाम की महिमा हो। मैं ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनको पूरे परिवार और घराने सहित बहुत आयत की आशीष दे। सिस्टर शबनम डेविड के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस जोड़े ने प्रभु की महिमा के लिए एक खूबसूरत बात को रखा है, एक बोझ है उनके जीवन में। परमेश्वर उनको ब्लेस्ड करे, उनके परिवार और घराने सहित उन्हें आशीष दे। उनकी जो भी टीम इस काम में उनकी सहयोग करती है, परमेश्वर उनको और उनके परिवार के सहित भी बहुत आयत की आशीष दे। और ये सबसे खूबसूरत बात है, वचन कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि भाई और भाई आपस में मिले रहे। जी हाँ, यहाँ पर भाई और बहन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु में हम सब भाई और बहन हैं। और प्रभु का वचन कहता है ये बहुत ही खूबसूरत और मनोहर बात है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि पिता आपको और मुझको इस खूबसूरत जरिए के द्वारा मिलाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो पिता के वचन के करीब आए, पिता की हुजूरी में आए और प्रभु की सामर्थ्य और उपस्थिति से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। आइए हम प्रभु के सम्मुख आए, छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद ये दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पिता, ये वक्त जो है हमारे लिए बहुत ही आशीषित वक्त है प्रभु, क्योंकि पिता ये वो समय है जहाँ पर हम आपके वचन के करीब आते हैं, हम आपके दिल के करीब पाए जाते हैं मेरे प्रभु। और पिता धन्यवाद देती हूँ मेरे महान प्रभु, क्योंकि आपने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी भेड़ों को प्रभु अपनी भेड़शाला में लाया है पिता, कि वो अपने चरवाहे के चेहरे की ओर ताके मेरे यीशु। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु आज हम बहुत सारी आशाओं को लेकर आपके सम्मुख आए हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बातों को रखने वाले परमेश्वर हैं पिता। पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वेदी के अंगारों से प्रभु मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा और बड़े अभिषेक और सामर्थ के साथ इस्तेमाल कीजिएगा पिता। अपने लोगों से बातचीत करिएगा प्रभु, मैं सिर्फ एक छोटा सा जरिया हूँ, पर बोलने वाले आप हैं प्रभु। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को अपनी सामर्थ से भरिएगा, हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दे दीजिएगा प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, एक एक वचन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर हो पिता परमेश्वर। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर और प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए सारी विनती प्रार्थना और निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन आमेन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे ये खूबसूरत वक्त के लिए, ये खूबसूरत समय के लिए। और पिता की आवाज को सुनने के लिए मैं और आप मेरे प्रियो अपने दिल को तैयार करते हैं, अपने कानों को खोलते हैं। तो जब कान खुलते हैं तो बातें क्या है दिल के अंदर चली आती हैं। और जब पिता का वचन मेरे और आपके दिल के अंदर आता है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करता है। और ऐसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मेरे प्रियो में और आप पिता के वचन को पढ़ते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत बात यशया के अंदर में लिखी है और वो ये है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है वो उस काम को पूरा करता है। आज मैं सोच ही रही थी एक बहुत ही खूबसूरत बात, प्रभु तू जो वचन देता है मेरे प्रियो, मेरे प्रिय परमेश्वर, वो वचन मेरे और आपकी जिंदगी की परिस्थितियों में हमारे लिए ढाल बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि मैं यही कह रही थी प्रभु तेरा वचन जो है हमें बल और सामर्थ्य देता है परिस्थितियों में, और आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन तेरा वचन अटल है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे प्रभु और आपके प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप अपने परमेश्वर की योजनाओं को जाने, क्योंकि जब तक मैं और आप अपने परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे, उसके वचन के पास नहीं आएंगे, हम कभी भी अपने परमेश्वर की उन खूबसूरत योजनाओं को जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखी है, उन ब्लेसिंग्स को जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखी है, हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये वक्त हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत खास हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, बहुत ही जाना माना वचन, बहुत ही जाना माना पद, जिसको हमने कई बार सुना और न जाने कितनी बार इसके विषय में हमने प्रचार को सुना है, पर मैं विश्वास करती हूँ आज एक नया प्रकाशन में और आप प्रभु के पाएंगे और बहुत बहुत आयत से आशीषित हो जाएंगे। पिता का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में
मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम कहाँ मिलेगा? एक थका हुआ इंसान अगर अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढता है तो वो है विश्राम, वो है आराम। और जब वो आराम ढूंढता है तो एक बहुत ही अजीब सी बात है, पता नहीं हम आपने कभी गौर किया कि नहीं किया, पर मैंने गौर किया है कि जब हमें आराम चाहिए होता है ना, तो हम आराम आरामदायक जगह पर कभी नहीं ढूंढते, है ना। हमें बस वो एक छोटा सा क्षण चाहिए होता है, वो एक छोटा सा लम्हा चाहिए होता है जहां पर मैं और आप विश्राम पाले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब भी हम थके होते हैं, कोई आरामदायक जगह को नहीं ढूंढते, मगर हम एक आरामदायक लम्हे को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा, और वो लम्हा मेरे लिए और आपके लिए आ पहुंचा है, क्योंकि पिता कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परिश्रम मेरे और आपकी जिंदगी का हिस्सा है, हम परिश्रम से क्या है अलग नहीं हो सकते। सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी में सिर्फ दौड़ और भाग मची हुई है। इसको अगर मैं ना भी बोलूं तो भी हम में से हर एक जन इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं, लेकिन प्रभु उस परिश्रम से आराम की बात नहीं करते। मेरे प्रियो, पिता आपको और मुझको वो परिश्रम से आराम देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी में मची हुई है। हमारी जिंदगी में एक द्वंद्व सा छिड़ा हुआ है, हमारी आत्मिक जिंदगी में एक द्वंद्व सा छिड़ा हुआ है, एक हलचल सी मची हुई है, और हम वहां बेचैनी महसूस करते हैं। कई बार तो हमारी जिंदगी में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसके लिए हम सोचते हैं हम इस परेशानी को लेकर कहां जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, हम वो आशा से भरे हुए लोग हैं जिससे पता है कि हमें परेशानी को लेकर के किसके पास जाना है, क्योंकि सवालों का जवाब तो हमें वही मिल सकता है। और प्रभु आपको और मुझको मेरे प्रियो शरीर के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन में विश्राम देने की बात करते हैं। हमारी आत्मिक जिंदगी में एक विश्राम की हमें बेहद बेहद जरूरत है। मेरे प्रियो, उस लम्हे की है मुझको और आपको बेहद जरूरत है, जहां हम ठहरें, जहां हम रुकें, जहां हम सोचें कि मेरा प्रभु और आपका प्रभु इस दुनिया में क्यों आया था। क्या इसीलिए आया था कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी के भाग दौड़ में अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, या इसीलिए कि हम उस लम्हे में रुकें जहां हम अपने पिता के साथ वक्त को गुजारें, जहां हम अपने पिता से पूछें, हे परमेश्वर तूने जो विश्राम मेरे लिए रखा है वो विश्राम का लम्हा मुझे दे, यानी पिता का वचन। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती सबके बारे में, पर मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे पिता के वचन के पास आकर एक बहुत ही खूबसूरत विश्राम मिलता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग रिलैक्सेशन, बहुत ही लफ्जों में बयान करना मुझे लगता है कम है, मेरे पास लफ्ज नहीं है, पर मैं बयान कर जितना कर पा रही हूँ बस उतना ही कर पा रही हूँ, और पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ ये भी सच है, मगर एक बहुत ही खूबसूरत रिलैक्सेशन पिता के वचन के पास आता है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप बहुत सारी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि पिता अपने बच्चों के बोझ को जो है वो ले लेता है। कितनी खूबसूरत बात है ना, और इसीलिए प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, निमंत्रण है परमेश्वर का। कितनी खूबसूरत बात है जब इनविटेशन हमारी लाइफ में आता है, हमारे पास कोई इनविटेशन देता है, हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं ना, कुछ लोग एक हफ्ते पहले से तैयारी करते हैं, कुछ लोग महीनों पहले तैयारी करते हैं, कुछ लोग एक दिन पहले तैयारी करते हैं, कुछ लोग कुछ लम्हे पहले तैयार करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी जरूर होती है जब निमंत्रण होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है आज मैं और आप भी उस निमंत्रण में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु कहता है आओ, सबसे पहला कदम जो मेरे लिए और आपके लिए, आपको और मुझको उठाना है, प्रभु कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कदम उठाना है मेरे प्रियो आपको और मुझको, और वो है परमेश्वर के पास आना। ये बेहद जरूरी स्टेप है, जब तक मैं और आप ये स्टेप नहीं उठाएंगे हम अपने बोझ से कभी भी आराम नहीं पा सकते हैं। तो प्रभु आपको और मुझको आज निमंत्रण दे रहा है मेरे प्रियो कि मेरे पास आओ, तुम्हारे लिए जो विश्राम है वो मेरे पास है। इस संसार में तुम्हें नहीं मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास वो विश्राम है जो तुमको चाहिए। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और
कदम को जब मैं और आप उठाते, मेरे प्रिय प्रभु के पास आने के कदम को, फैसले को जब मैं और आप लेते हैं कि बस अभी कुछ नहीं, अभी किसी इंसान की बातें नहीं, अभी सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तो मैं और आप उस कदम को जब उठाते हैं तो उत्तम उत्तम बातों में मैं और आप शामिल किए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु आपको और मुझको जब बुलाता है, जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम बहुत शानदार इंतजाम करते हैं, है ना? ये हमारा नेचर है। और प्रभु के लोगों की तो पहचान ही है पहुनाई करना, है ना? हम जानते हैं अब्राहम ने सिर्फ अनजाने में पहुनाई की थी, और किसकी की थी? परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी थी उसने। तो ये मेरे और आपके लोगों में, प्रभु के लोगों में वो खूबसूरत बात होती है। हम बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, बहुत गर्मजोशी से तैयारी करते हैं। और वैसे ही मेरे प्रियो, जब प्रभु मेरे लिए और आपके लिए इंतजाम करता है, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत इंतजाम वो आपके लिए और मेरे लिए करता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और मैं और आप उसी इनविटेशन में शामिल हो जाएं, क्योंकि इंतजाम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत रिलैक्सिंग हैं, आशीषित करने वाले हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। भजन संहिता साम 65 वर्स 4 में पिता का वचन कहता है, भजन 65 पद 4 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। हम तो तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। मैंने जैसे कहा कि पिता ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत इंतजाम भी किया है, सिर्फ बुलाकर छोड़ नहीं दिया है, बुलाकर तितर बितर होने के लिए आपको और मुझको छोड़ नहीं दिया, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल की आवश्यकताओं को जानता है। मेरे प्रियो, ये कितनी खूबसूरत बात है। जब हजारों गेस्ट को हम बुलाते हैं तो हो सकता है जो हमने चीजें रखी हो उन हजारों में कोई ऐसे 200 या 100 या 50 लोगों जिससे जो उन इंतजामात से संतुष्ट ना हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम हजारों लोगों के जीवन को, हजारों लोगों की पसंद को नहीं पहचान समझ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ बहुत खूबसूरत बात है, वो जब जब अपने लोगों को बुलाता है वो अपने लोगों की जरूरतों को जानता है, उनकी पसंद को जानता है, उनकी नीड्स को जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु कहता है क्या ही धन्य है जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो क्या करे, तेरे आंगनों में वास करे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। कितनी जब मिलाप के तंबू में लोग जाया करते थे, मिलाप की एक शुरुआत होती थी परमेश्वर से, एक खूबसूरत तैयारियां होती थी, और वो तैयारी स्टेप बाय स्टेप होते हुए मेरे प्रियो आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान, है ना? तो ये जो स्टेप था आज भी मेरे लिए और आपके लिए, उस आंगन में प्रभु आपको और मुझको लेकर के जाता है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो, पर आराधना के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, अपने दिल को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं। वो स्थान मेरे लिए, आपके लिए वो आंगन बन जाता है जहाँ प्रभु मेरे लिए और आपके लिए इंतजाम करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वो जब वो स्थान, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब आते हैं, वो स्थान मेरे लिए और आपके लिए वो वास स्थान हो जाता है जहाँ प्रभु आपसे और मुझसे मिलता है। मेरे प्रियो, हम तो तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यानी बुलाया है परमेश्वर ने तो छोड़ा नहीं है, मगर बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। और वचन कहता है उत्तम उत्तम पदार्थों से वो आपको और मुझको तृप्त करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साम 16 वर्स 11 अगर मैं और आप देखें तो यहाँ लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। आज के दौर में मेरे प्रियो, कोई इस बात को नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाऊंगा या मेरे पास आओ जिंदगी मेरे पास है, है ना? आज के दौर में कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस गारंटी को मेरा और आपका प्रभु आपको और मुझको देता है। और वो कहता है कि वो आपको और मुझको जीवन का रास्ता दिखाने जा रहा है, जीवन का रास्ता दिखाएगा, और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जहां जीवन का रास्ता है वहीं तो आनंद है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? जब मैं और आप एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं तो इसके द्वारा पिता की महिमा होती है। और आनंद मेरे प्रियो, सच्ची खुशी जो है मेरे प्रियो,
वो परमेश्वर के आंगनों में वास करने के द्वारा ही आपको और मुझको मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का जो आंगन है ना, वो आपको और मुझको प्रभु के बेहद करीब लेकर के आता है। मेरे प्रियो, वो एक सिंबल था कि आप परमेश्वर के पास आने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आपने अपने जीवन को प्रभु के पास आने के लिए तैयार किया है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है, ये बातें आज भी मेरे लिए और आपके लिए उतनी ही मायने रखती हैं। और वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर जब आपको और मुझको अपने करीब लेकर के आता है, वो एक बहुत खूबसूरत काम मेरे और आपकी जिंदगी में करता है, वो मेरे और आपके जीवन में आनंद के बीज को बोता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा के फलों में आनंद भी वो फल है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत चिंता करती हैं। मैं सोचती हूँ चिंता कैसे करूं, क्योंकि पवित्र आत्मा के जो फल प्रभु अपने लोगों को देता है उसमें चिंता की तो लिस्ट ही नहीं है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, कहाँ है चिंता कल की लिस्ट, है ना। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चिंता की कोई लिस्ट नहीं है तो चिंतित हम होंगे भी कैसे, क्योंकि प्रभु खुद अपने फल से आपको और मुझको लादता है, और वो है आनंद का फल। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको और मुझको आनंद से भरता है। सबसे पहले जब अपने करीब लाता है वो आपको और मुझको आनंदित करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक टूटा हुआ दिल है जो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होता है। प्रभु टूटे हुए दिल के बेहद बेहद करीब होता है, वचन कहता है मेरे प्रियो। तो प्रभु आपको और मुझको आनंद के स्रोतों में से पिलाने वाला परमेश्वर है, और कहता है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुख और आनंद जो है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के करीब आने से ही मिलती है। हो सकता है हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जरिया हो, बहुत सारा रीजन हो जहां हमें और आप खुश होते हैं, बहुत सारी बातें होंगी जो आपको और मुझको आनंदित करती हैं, लेकिन ये भी बात सच है ये बहुत ही कम समय के लिए है, और एक परिस्थितियों से दूसरी परिस्थितियों में वो बातें मेरे लिए और आपके लिए मददगार साबित नहीं होती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन की खूबसूरती यूं है मेरे प्रियो कि पिता का वचन जब मेरे और आपके पास आता है वो हर परिस्थितियों में मेरे लिए और आपके लिए ढाल और चट्टान बन जाता है। कितनी खूबसूरत बात है। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए परमेश्वर के निकट आनंद की बेहद बेहद भरपूरी है, मैं तो यही कहूंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि जब मैं और आप, प्रभु बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं, प्रभु आपको और मुझको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहता है। और यहाँ वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में क्या है, सुख सर्वदा बना रहता है। सर्वदा बना रहने वाला सुख क्या आपको और मुझको संसार की कोई भी चीजें दे सकती हैं? हर चीज का एक लिमिट है। अगर हम छुट्टियां भी मनाने जाएं तो हम जिंदगी भर छुट्टियां नहीं मना सकते, है ना। हमको एक हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में लौट कर आना ही पड़ता है उसी जगह पर जहां पर मैं और आप थकान से भरी हुई जिंदगी जीते हैं, उसी जगह पर जहां पर फिक्रे हैं, बहुत सारी टेंशन होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो यानी ये बात तो सच है कि हम छुट्टियां जो हैं, वेकेशंस जो हैं, गुड क्वालिटी टाइम्स जो हैं, बहुत थोड़े समय के लिए कर पाते हैं, वो लॉन्ग टाइम और लॉन्ग टर्म हो भी नहीं पाता है। लेकिन पिता एक बहुत खूबसूरत बात आपसे मुझसे कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, हमेशा हमेशा के लिए। तो क्यों ना एक ऐसी जगह जाया जाए जहां सुख सर्वदा बना हुआ है, वो टाला नहीं जा सकता, उसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा बना रहेगा। वैसे ही जैसी शुरुआत है वैसे ही प्रभु के साथ अंत तक उस सुख सर्व, उस सुख की नदी के पास, उस सुख के सोते के पास में और आप पहुंचाए जाते हैं मेरे प्रियो। तो निमंत्रण जो है तो वो बहुत खूबसूरत बात है परमेश्वर का। जब प्रभु आज आपको और मुझको बुलाता है तो बोझ से आजाद करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप भजन संहिता 37, साम 37 वर्स 19 देखें, 37:19 यहाँ लिखा है, बुरे समय में वे लज्जित न होंगे और वे अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे। यानी मुसीबतों और तकलीफों के हालात में भी मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है खरा मनुष्य, खरा मनुष्य यानी परमेश्वर के निकट रहने वाला, परमेश्वर के वचन पर अपनी जिंदगी को चलाने वाला, परमेश्वर को ही अपना आधार मानने वाला,
संसार की परिस्थितियां क्या कहती हैं, उससे कहीं ज्यादा ध्यान अपने परमेश्वर के वचन पर रखने वाला ही मनुष्य खरा मनुष्य है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है ना, जिसे इस बात से मतलब है कि परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की मर्जी क्या है, क्या प्रभु को ये बातें पसंद आएंगी, वही बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती है और परमेश्वर की दृष्टि में वैसा मनुष्य खरा मनुष्य कहलाता है। और खरे मनुष्यों के लिए मेरे प्रियो वचन कहता है, हर हालात में परमेश्वर आपको और मुझको किसी भी समय किसी भी हालात में शर्मिंदा नहीं होने देगा। और वचन कहता है कि वे बुरे समय में लज्जित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड, कितनी प्यारी बात है ना, हमें शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। और वचन कहता है साथ ही साथ वो अकाल के दिनों में तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है, परमेश्वर जब अपने करीब लाता है मेरे प्रियो, खूबसूरत वायदा करता है। और जब वो वायदा करता है तो वो किसी इंसान का वायदा नहीं है जो परिस्थितियों के हिसाब से अभी तो शायद हाँ 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 कह रहा है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां उसकी जिंदगी में बदलती हैं, वो अपनी बातों को पूरा करने में असक्षम हो जाता है। मगर परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका वो विश्वास योग्य प्रभु है जिसने अगर एक बार आपको कह दिया कि मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा, मैं तुम्हें अकाल के दिनों में तृप्त करूंगा, तो मुझको और आपको इस वचन को थाम लेना है, क्योंकि वो ऐसा मेरे और आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसने ये किया है और आगे भी वो मेरे और आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप साम 103 भजन 103 उसका 3 और 4 देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। और मैं समझती हूँ इस सिचुएशन में हम सब कोई कभी ना कभी जरूर पढ़ते हैं, मगर एक खूबसूरत दिलासा जो है मेरे प्रियो, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही दे सकता है। जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझको सारे दोष युक्त सोच से निकाल करके बाहर लाता है, गिल्ट से आपको और मुझको बाहर निकाल करके लाता है। साम 103 वर्स 3 और 4 वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कितनी खूबसूरत बात है ना, जब प्रभु आपको और मुझको निमंत्रण देता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, यानी बोझ को छोड़ के मत आओ, बोझ को लेकर के आओ, है ना। वचन कहता है अपना बोझ किस पर डालो, परमेश्वर पर डालो, अपनी कल्पनाएं किस पर डाल दो, अपनी बातों को किस पर डालो, प्रभु पर डालो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा। पिता कहते हैं कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, यानी अधर्म की जो अधर्म का रिश्ता जो है वो रोग और बीमारियों से बहुत ही नजदीकी का रिश्ता है। और पिता का वचन कहता है वो पहले मेरे और आपके अधर्म को क्षमा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी आपको और मुझको जगाने वाली बात है मेरे प्रियो, कि प्रभु आपको और मुझको हमारे अधार्मिकता से, हमारे अधर्मीपन से आजाद कर देगा। और वचन कहता है वो हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा, और जब अधर्म क्षमा होते हैं तो चंगाई निश्चित होती है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब जब मेरे और आपके यीशु ने लोगों को चंगाई दी, एक बात उसके मुंह से निकली, जा और अब दोबारा पाप मत करना। यानी पाप का संबंध, अधर्म का संबंध रोग और बीमारियों से बहुत बहुत गहरा है। जहां अधर्म है वहां रोग और बीमारियां हैं, लेकिन प्रभु आज आपको और मुझको निमंत्रण दे रहा है मेरे प्रियो, कि तुमको मैं तुम्हारे अधर्म से क्षमा करने जा रहा हूँ। अपने दिल को अपने परमेश्वर के पास लाइए, अपने आप को प्रभु के सामने उंधेल दीजिए, क्योंकि आज वो आपको और मुझको हर एक अधार्मिकता से आजाद करके मेरे और आपके शरीर के हर एक अंगों को चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा, क्योंकि ये वायदा प्रभु आपसे और मुझसे करता है मेरे प्रियो। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे प्रभु की बातों पर
मैं तो ये कहूंगी, जैसे हम कहते हैं आंख मूंद कर विश्वास करना है ना, हम पूरे सच्चे दिल से प्रभु की बात पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो रोशनी है, वो उजियाला है मेरे प्रियो, जो हमारे अंधियारे रास्ते को, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है, हमारे पथरीले रास्तों को समतल कर देने वाला प्रभु का वचन होता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है कि आपको और मुझको प्रभु नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर के जरिए मैं और आप अपनी जिंदगी की पूर्ति को पाते हैं, हम अपनी जिंदगी में बातों को पूरा होते हुए देखते हैं। और आगे वचन कहता है कि हमारे प्राण को वो नाश होने से बचाता है, यानी हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु काम करता है, हमारे आत्मिक जीवन को डील करता है, हमारे शरीर को वो डील करता है, और फिर हमारे प्राण को भी वो डील करता है मेरे प्रियो, उसको ट्रीट करता है, उसको हील करता है। और इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पर कि वो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे अधर्म को जब क्षमा करेगा तो हमारी जिंदगी में एक नयापन आएगा, हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ शुरू करेंगे। हमारे जो निशाने की ओर, जिस तरह से पौलुस कहते हैं मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मेरा और आपका निशाना आज कहाँ है मेरे प्रियो? मेरा और आपका निशाना हमारे प्रभु का वचन है, जिस पर आप और मैं दौड़ते चले जा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है हमारे शरीर को चंगा करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर प्राण और आत्मा की रक्षा करने के लिए पिता का वचन कहता है, और हमारे प्राण को नाश होने से वो बचा लेता है। और न सिर्फ शरीर प्राण और आत्मा की सुरक्षा है, चंगाई है, छुटकारा है, बरकत है, मगर साथ ही साथ वो कहता है इन सब के साथ वो मेरे और आपके सिर पर अपनी करुणा और दया का मुकुट रख देता है। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है ना, जिसके सिर पर परमेश्वर की करुणा का मुकुट है, वो परमेश्वर की करुणा को प्रतिदिन अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखेगा मेरे प्रियो। पिता का वचन कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, नहीं पड़ेंगी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और आप बहुत खूबसूरत संसार में नहीं जीते हैं, हमें तो संसार में आने वाली परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। मगर पिता का वचन कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनको उन सब से निकाल लेता है। यही तो सामर्थ है। और इसीलिए तो पौलुस बड़ी ही आनंद के साथ एक बात कहते हैं, जब मैं निर्बल होता हूं मैं उसी वक्त बलवान हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो है मुझ पर छाया कर रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बल्ब कमरे में लगाने से अच्छी रोशनी देगा? जब तक आप उसको होल्डर में नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसको करंट से नहीं जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ेंगे, और जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उस बल्ब की रोशनी आपके कमरे को, आपके उस जगह को, आपके उस कोने को कितना रोशन कर रही है। तो मेरे और आपकी जिंदगी में भी मेरे प्रियो ऐसा ही होता है। मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है मेरे प्रियो, और जब वो काम करता है तो उसकी करुणा को मैं और आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, अपनी जिंदगी में महसूस कर सकेंगे, अपने दिल में महसूस कर सकेंगे, अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के हिस्सों में अपने परमेश्वर के काम को, उसके वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। इससे खूबसूरत बात और एक प्रभु के लोगों के लिए, एक विश्वासी के लिए मैं समझती हूँ मेरे प्रियो हो ही नहीं सकती। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है वो मुझ पर और आप पर करुणा और दया का मुकुट रख देता है। और आपको पता है जब परमेश्वर अपनी करुणा और दया का मुकुट आप पर, मुझ पर रखता है, वो मुकुट दूर से दिखाई देता है। मुकुट किस पर रखे जाते हैं? मुकुट सबके लिए नहीं होते मेरे प्रियो, है ना। एक राज दरबार में मुकुट सबको नहीं मिलते, मुकुट सिर्फ उसको मिलता है जिसको चुन लिया जाता है राजा होने के लिए, जिसको राजकुमार और राजकुमारी होने के लिए चुन लिया जाता है। और आने वाले समय में वो प्रभुता करेगा, इस बात की गारंटी वो मुकुट दिखाता है। और मेरे और आपकी जिंदगी में प्रभु प्रभुता करेगा, वो करुणा और दया का मुकुट मेरे और आपके जीवन में इस बात की घोषणा करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं समझती हूँ धन्यवाद देने बैठूं तो लफ्ज कम है, समय कम है,
और सब कुछ कम पड़ जाता है जब परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देने में और आप बैठे मेरी प्रियो, क्योंकि उसके उपकारों को गिनने की हैसियत मुझ में और आप में है ही नहीं। और जो निमंत्रण वो आपको और मुझको देता है उसके साथ वो आपको और मुझको बहुत कुछ देने जा रहा है और बहुत कुछ देता भी है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको और मुझको दीर्घायु से तृप्त करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दीर्घ आयु, प्रेज द लॉर्ड। हर एक को इस दुनिया में दीर्घ आयु चाहिए और परमेश्वर के लोग तो प्रभु की बाट जो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड कि हमारा यीशु आएगा और अपने लोगों को अपने साथ बादलों पर उठाकर ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कम से कम उस समय तक के लिए अपने परमेश्वर से अपनी जिंदगी की उम्मीद और आशा और चाहत अपने परमेश्वर के साथ रखते, क्योंकि परमेश्वर की करुणा को, अपनी उस दया को, उसके अद्भुत प्यार को, उसके अद्भुत काम को जो हम प्रतिदिन अपनी जिंदगी में देखते हैं और ये भी होते हुए हम देखेंगे जहां पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है साम 91 वर्स 16 के अंदर में, भजन 91 पद 16 के अंदर में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जी हाँ, उद्धार का दर्शन जिसकी आशा में और आप लगाए रखे हैं मेरे प्रियो, वो छुटकारा मेरे प्रियो जहां पर मैं और आप प्रभु के साथ जाने की बात करते हैं, जहां मैं और आप एक आशा रखते हैं कि जहां प्रभु है वहां हम भी रहें और प्रभु के साथ परमेश्वर की आराधना करते रहें, उसे धन्य धन्य और धन्य कहते रहें। प्रभु आपको और मुझको कहता है कि वो आपको और मुझको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन परमेश्वर आपसे कहता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहता है, वो अपने लोगों से कहता है जिसको उसने निमंत्रण दिया, जिसने उसको बुलाया है, उससे वो कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुर्बलता को आज हम शरीर में झेल रहे हैं मेरे प्रियो, मगर एक बात अपने जीवन में हमेशा घोषणा करते रहें कि मेरे यीशु ने मुझको चंगाई दी है और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ, मैं चंगी हुई हूँ। वचन भजन 118 के अंदर में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और तेरे कामों की चर्चा सदा करता रहूंगा। इस घोषणा को अपने होठों पर रखिए मेरे प्रियो। परिस्थितियां और बीमारियों के बंधन टूट करके गिर जाएंगे, क्योंकि पिता के वचन के सामने ये चीजें ठहर नहीं सकती, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये चीजें रुक नहीं सकती, क्योंकि प्रभु अपने वचन को भेजता है और वचन के बारे में वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन अति वेग से काम करता है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं उतने वेग से, उतनी उसकी तीव्रता होती है, उसकी इतनी उसकी इंटेंसिटी होती है परमेश्वर के वचन की, जिसको मैं और आप सोच भी नहीं सकते मेरे प्रियो। और वचन कहता है वचन अति वेग से काम करता है। जब मैं और आप घोषणा करेंगे अपने होठों से जिसका वायदा प्रभु आपसे और मुझसे कहता है करता है, तो उसके बारे में आपको और मुझको वचन को भी बतलाता है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। थामे इस वचन को, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको निमंत्रण देता है जिंदगी के लिए मेरे प्रियो, और बहुत आयत की जिंदगी, सिर्फ जिंदगी नहीं मगर बहुत आयत की जिंदगी के लिए प्रभु आपको और मुझको आज इनवाइट कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा। तैयारी करनी है अपने पिता के साथ उसकी इनविटेशन में जाने के लिए और इनविटेशन को लेने के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साम 17 वर्स 15 भजन 17 उसके पद 15 में मैं और आप देखें, यहाँ बहुत ही प्यारी सी बात लिखी लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। ये सबसे खूबसूरत बात, यही वो धन्य और महान आशा है मेरे और आपके लिए मेरी प्रियो, कि मैं और आप अपने प्रभु के मुख का दर्शन करेंगे। देखिए, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे तो सबको खड़ा होना है, जो धर्मी है उसको भी, जो अधर्मी है उसको भी, हर एक जन को, हर एक जन को। लेकिन परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का सामना तो सबको करना है एक दिन, चाहे उसने अच्छी जिंदगी जी हो, चाहे अच्छी जिंदगी ना जी हो, चाहे उसने प्रभु को प्राथमिकता अपने जीवन में दी हो, चाहे उसने परमेश्वर को कुछ भी ना माना हो, फिर भी उसे प्रभु का सामना तो करना ही पड़ेगा।
मगर परमेश्वर के दास एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं ऐसे वैसे नहीं, जब बुलाया है तो तैयारी भी तो होनी चाहिए ना, शानदार तैयारी के साथ। वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के दास कहते हैं मैं धर्मी हो करके, प्रेज द लॉर्ड, है ना, वचन को थाम कर, वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाकर, वचन पर चलकर, वचन के अनुसार जिंदगी जीकर, वचन को ही सब कुछ मानकर मैं एक धर्मी जीवन जीऊंगा और प्रभु के पसंद और नापसंद पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा और धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। कितनी खूबसूरत बात है। परमेश्वर भी मेरे प्रियो आपको और मुझको ऐसे ही देखना चाहते हैं। मुख का दर्शन तो हम भी करें, लेकिन हमें पूरी पूरी आशा हो, हम खुशी के साथ अपने परमेश्वर के दीदार का इंतजार करें, अपने यीशु के दीदार का इंतजार करें। वो लम्हा बेहद खूबसूरत और बेहद खास होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन लिखा है आगे, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने वाले, परमेश्वर के लिए खुद को तैयार करने वालों के लिए प्रभु ने एक बहुत ही खूबसूरत बात रखी है। और वचन कहता है कि जब मैं जागूंगा, जी हाँ, जब हम अपनी आंखों को खोलेंगे, लाजर के बारे में हमने देखा है ना, वो जागा। वचन कहता है कि उसने अपनी क्या करी, आंखें खोली और खुद को कहां पाया, अब्राहम की गोद में पाया। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है। ये वो महान धन्य आशा है जहां मैं और आप जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, जिसका जिसकी चाहत हम में से हर किसी को है। और मैं इसीलिए परमेश्वर के दास यहां लिखते हैं मैं जागूंगा, लाजर के समान मैं जागूंगा, पलक झपकते ही जब हम बदल जाएंगे। वचन कहता है मेरे प्रियो, उस वक्त जब हम अपनी आंखों को खोलेंगे, जब पलक झपक कर अपनी आंखों को खोलेंगे, हम यीशु का दीदार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है। और वचन कहता है कि मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं समझती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक अंतिम निमंत्रण भी परमेश्वर आपको और मुझको दे रहा है। पहला निमंत्रण और एक अंतिम निमंत्रण। अंतिम निमंत्रण रेवलेशन, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके पद 17 को मैं और आप देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत में ले। जो चाहे, जी हाँ, जिसकी चाहत अपने पिता के साथ रहने की है, जिसकी चाहत दीर्घायु से तृप्त होने की है, जिसकी चाहत में ये है कि मेरे जीवन की हर एक बातें पूरी हो, जो अपनी अधार्मिकता से आजाद होकर प्रभु के साथ जीना चाहता है, जिसके शरीर प्राण और आत्मा में चंगाई के बातें हैं, उसके लिए प्रभु कहता है जो चाहे। जी हाँ, ये खुला इन्विटेशन है, ये सबके लिए है और प्रभु सबको बुला रहा है मेरे प्रियो। और वो कहता है कि जो भी चाहता है जीवन को, जो भी जिंदगी से प्यार करता है, जो भी जिंदगी में खूबसूरत बातों को देखना चाहता है, वो आए और जीवन का जल सेंत मेंत ले। जी हाँ, बिना किसी दाम को चुकाए, दाम तो यीशु ने चुका दिया मेरे प्रियो। हमें एक स्टेप उठाना है और वो है जैसा प्रभु ने कहा, आओ। जी हाँ, आओ यानी इनविटेशन है, प्लीज कम, जरूर आओ, मेरे इस इनविटेशन को तुम स्वीकार करो और आओ। परमेश्वर के नाम की महिमा। यशया उसके 12 अध्याय उसके 3 पद के अंदर में लिखा हुआ है तुम उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। छुटकारे का सोता मेरे प्रियो, जब छुटकारे का सोता मेरे और आपकी जिंदगी में बह निकले, उससे प्रभु का वचन कहता है उस जल को मैं और आप भरेंगे। वो सामरी स्त्री बड़े ही मीलों दूर से घड़ा उठाए पानी भरने आई, लेकिन जब यीशु को पा लिया, अपना घड़ा छोड़कर इतनी ही दूर यीशु को पा लिया उसने, ये बताने के लिए वो गई। उसको अब जल की फिक्र नहीं थी, उसको अब पानी की फिक्र नहीं थी। जो थोड़ी देर पहले कह रही थी ठीक है भाई यीशु तू मुझे वो जल दे दे कि मुझे इतनी दूर पानी लेने आना ना पड़े, उस जल को मैं और आप जाने मेरे प्रियो, उस जल को मैं और आप भर लें,
जहां हम अपना घड़ा भूल जाएं, प्रेज द लॉर्ड, जहां हम संसार की बातों को छोड़ दें और अपने परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। खुशी से उसने कह दिया, पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। कईयों ने सोचा होगा कि क्या हुआ, ये तो पानी लेने गई थी, इसके हाथ से घड़ा कहाँ चला गया। लेकिन लोगों का ध्यान भी मेरे प्रियो, गजब खूबसूरत सा वो वचन और वो पद है, बहुत ही प्यारा सा लगता है मुझे वो पूरा का पूरा चैप्टर, जहां में और आप देखते हैं यीशु को पाने के बाद, जी हाँ, उद्धार के स्रोतों से जल भरने की एक बहुत ही खूबसूरत सी बात को मैं और आप वहां पर पाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। साम 34 के अंदर में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, जिसके यहाँ आप इनविटेशन पर जा रहे हैं, आप जानिए कि वो कितना मिलनसार होस्ट है, वो कितना खूबसूरत होस्ट है, वो अपने गेस्ट की हर एक चीजों का पूरा पूरा ख्याल रखना जानता है। वैसे मैं और आप परमेश्वर के राज्य में एज अ गेस्ट नहीं जा रहे हैं, हम तो परिवार हैं। परमेश्वर के, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की हम तो सिताइश बढ़ाई हो, प्रशंसा हो। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर के इनविटेशन को स्वीकार करने वाले को प्रभु का वचन कहता है वो धन्य मनुष्य है, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में आ गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको और मुझको धन्य लोगों में ठहरा दे मेरी प्रियो, जब हम अपने पिता के इनविटेशन को स्वीकार करते हैं। जी हाँ, मैं और आप तैयार हो जाए मेरी प्रियो, क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, आओ मेरे पास आओ, अपने बोझ को छोड़कर मत आओ, अपने बोझ को मेरे पास लेकर के आओ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे मेरे प्रिय। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे जीवित और जलाले पिता, हम अपने बोझ को लेकर के आज आपके पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्राम सिर्फ आपके पास है प्रभु। हम जानते हैं हमारी भलाई आपके सिवा और कहीं भी नहीं है प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है कि तुम उद्धार के सोतों से जल भरोगे। धन्यवाद मेरे यीशु, उद्धार का सोता आप है मेरे यीशु, हम उस सोते से जल भरने जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, जैसे आपके दास ने कह दिया, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इन खूबसूरत वचनों के लिए प्रभु, आपकी इनविटेशन के लिए प्रभु। हम खुद को तैयार करें मेरे प्रभु आपकी इनविटेशन में आने के लिए, आपके उन आशीषों में भागीदार हो जाने के लिए मेरे महान प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, हमें तैयार करिए पवित्र आत्मा। पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारी सारी बातों को प्रभु। आप जानने वाले परमेश्वर हैं, हर एक बातों में संभालने वाले प्रभु हैं पिता। आज के सेशन के लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु, मेरे महान पिता। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपके वचन को सुनकर प्रभु हम अपने आप को आज के दिन तैयार करें प्रभु, आपके लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आप यही कहते हैं प्रभु, ताकि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहां मैं हूँ वहां तुम भी रहो। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस हमारे लिए इंतजाम करने के लिए प्रभु। मैं सारी महिमा, सारी आदर और सारी प्रशंसा आपको देते हुए पिता, सारी विनती, प्रार्थनाओं, निवेदनों को धन्यवाद के साथ यीशु के सम्मुख लाते हुए यीशु के नाम से विनती, प्रार्थना, निवेदन मांगती हूँ। आमें, आमें। प्रभु हम सबको बहुत 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 आयत की आशीष दें।